मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस के समय पर। एक लड़की पहाड़ में स्नोबोर्डिंग कर रही होती है। ठीक तब एक आदमी आकर उससे टकरा जाता है और उसकी वजह से वो लड़की टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो लड़का अपनी GF के साथ वहाँ मौजूद था, लेकिन फिर भी वो बिना उस लड़की की मदद किए वहाँ से दोनों ही चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैक्स और मिया नामक एक कपल पहाड़ों पर घूमने के लिए गए हुए थे। अपनी बुक की गई होटल पर जाकर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट से अपने घूमने जाने वाले जगह के बारे में यानी ब्लैक रिज पहाड़ के बारे में बताते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। असल में ये कपल उसी माउंटेन पर जाना चाहते थे जहाँ 3 साल पहले उस लड़की के साथ वो घटना घटी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि जो भी वहाँ जाता है वो एकदम से कहीं गायब हो जाता है और उनकी हत्या भी उसी लड़की द्वारा की जाती है। कुछ देर बाद मिया एक पेंटिंग देख रही होती है। ठीक तभी मैक्स आकर उससे कहता है कि घूमने की सारी तैयारियां हो चुकी है और वो दोनों हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब रात के समय मिया के कमरे में रिसेप्शनिस्ट पहुंचती है और वो मिया को फ्री की वाइन और पहाड़ों पर ना जाने की सलाह देकर वहां से जाने लगती है। जाते जाते रिसेप्शनिस्ट मिया को एक आदमी के बारे में बताती है जिसकी मौत हाल ही में ही वहां जाने से हुई थी। जिस तरह से रिसेप्शनिस्ट बात कर रही थी उससे मिया काफी ज्यादा घबराने लगती है। डर के मारे मिया मुंह पर दरवाजा बंद करके रिसेप्शनिस्ट को वहां से जाने के लिए कहती है। जाते जाते रिसेप्शनिस्ट दरवाजे पर एक क्रूस का चिन्ह बनाकर चली जाती है और कुछ देर बाद मिया की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में मैक्स को बताती है वो निशान अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब अगली सुबह हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके ये दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। इस दौरान मिया मैक्स की चीजों के साथ एक रिंग देखती है जो मैक्स ने उसके लिए खरीदा था। असल में मैक्स मिया को प्रपोज करना चाहता था। अब होटल से निकलते ही उनके सामने उसी आदमी की लाश दिखाई जाती है जो हाल ही में ब्लैक रिज पहाड़ पर जाने की वजह से मारा गया था। बिना कुछ सोचे वो दोनों हेलीकॉप्टर से ब्लैक रिज पहाड़ पर पहुंचते हैं। दोनों ही अपने मुताबिक स्नोबोर्डिंग करते हुए मजे करने लगते हैं। इस बीच अचानक मिया मैक्स के संपर्क से दूर हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ों पर फॉग जमा होने लगी थी। मिया का वॉकी टॉकी भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो मैक्स से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। ठीक तभी कोई उसे टक्कर मारकर वहां से चला जाता है और मिया नीचे गिर जाती है। जैसे तैसे मिया खुद को उठाकर आगे बढ़ती है। हालांकि उसके पास किसी तरह की मदद भी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद वो मैक्स के पास पहुंच जाती है। मैक्स गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन मिया की घबराहट अब बढ़ने लगी थी जो कि किसी आदमी ने मैक्स को धर दबोचा हुआ था और फिर वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। मिया उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो हिम्मत दिखाकर आगे तो बढ़ती है लेकिन वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो खून का धब्बा नोटिस करती है। वो आदमी ठीक उसके सामने आ खड़ा होता है। उस आदमी के हाथ में एक बॉम्ब था। मिया उसके इरादे समझ चुकी थी कि वो उसे मारना चाहता है, इसलिए वो फौरन स्नोबोर्डिंग की मदद से पहाड़ के निचले हिस्से में जाने की कोशिश करती है। इस बीच मिया बर्फ के नीचे धंस जाती है, पर ऐसे हालात में भी वो आदमी मिया के पीछे पड़ा हुआ था। मिया को मारने के लिए वो आदमी शार्प नुकीली टूल की मदद से उस जगह पर हमला करने लगता है जिससे कि वो जिंदा ना बचे। मिया शांतिपूर्वक खुद को संभालती है। हालांकि उस आदमी के कारण मिया को चोट लगी थी और काफी समय बीत चुका था। मिया वहां से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो अपना हाथ बाहर निकालती है कि अचानक से कोई आकर उसे बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाता है। इस दौरान मिया बेहोश हो चुकी थी। होश आने पर वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी और जिसकी वजह से
वो सेफ भी थी। दूसरी तरफ होटल के रिसेप्शनिस्ट किसी से फोन पर कह रही होती है कि अब मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, ये कहकर वो फोन काट देती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मियाँ को अपनी पोती की तस्वीर दिखाकर कहता है कि 3 साल पहले इसकी मौत हो गई थी, वो भी स्नोबोर्डिंग करते हुए, और ये वही लड़की है जो मूवी की शुरुआती सीन में मारी गई थी। वो बूढ़ा आदमी मियाँ को अपनी पोती का फेवरेट गाना लेट इट स्नो भी सुनाते हैं। अब अगले सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो जाता है। मियाँ उन्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है। इस दौरान मियाँ को स्नो मोबाइल मिलता है, जिसे देख उसे उस बूढ़े आदमी पर शक हो जाता है। मियाँ इस स्नो मोबाइल को खोलना चाहती थी, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी के घर पहुँच कर चाबी ढूंढने लगती है। कुछ चाबियों का इस्तेमाल करके वो मोबाइल भी खोलने लगती है। ठीक तभी पीछे से वही आदमी रूपी किलर आ जाता है। वो मियाँ को मोबाइल की असली चाबी दिखाकर वहां से जाने लगता है। मियाँ उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और थकावट की वजह से वो खुद बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद तो रेस्क्यूअर वहां पहुंचते हैं, लेकिन मियाँ की हालत की वजह से वो ना तो उन तक पहुंच पाती है और ना अपनी आवाज उन तक पहुंचा पाती है। मियाँ अपनी सिचुएशन से बेहद ज्यादा परेशान थी। थक हार कर वो आगे बढ़ती है और फिर उसे एक टेंट दिखता है, ये उसी किलर का किया धरा था। मियाँ उस टेंट के भीतर जाती है और यहाँ उस टेंट लड़की की काफी सारी तस्वीर मौजूद थी, साथ ही क्रूस के चिन्ह भी बने हुए थे। इसके अलावा उस बूढ़े आदमी को किलर ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कुछ ही क्षणों के भीतर इनकी मौत पक्की है। ये देख कर मियाँ डर कर वहां से भागने लगती है। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी, उसकी हिम्मत और सब्र खत्म हो चुकी थी। थक हार कर वो मैक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है और वो उसे रिप्लाई भी करता है और फिर लेट इट स्नो गाना बजने लगता है। मैक्स के लिए वो हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ती है। वैसे उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन आखिरकार वो बर्फ खाए तो कैसे खाए। अब अचानक से वहाँ वो किलर कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाता है। किलर मियाँ का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन मियाँ भाग कर पहाड़ से सीधा नीचे गिर जाती है और फिर वो पहुंच जाती है वाटर सोर्सेस के करीब। मियाँ फाइनली इतने समय के बाद अब पानी पी रही होती है और जैसे तैसे वो खुद को हिम्मत देकर आगे बढ़ती है और इसी के साथ एक और रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही मियाँ आगे बढ़ती है। मियाँ खुद को और मैक्स को लेकर बेहद ज्यादा परेशान थी, लेकिन ये परेशानी उसे मैक्स की तरफ से नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसे मैक्स पर शक होने लगता है कि शायद मैक्स ही वो किलर है जो उसे मारना चाहता है। यही सोच कर वो आगे बढ़ती जाती है और परेशान होने लगती है और फिर वो पहाड़ के एक डेड एंड पर पहुंचकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने एक स्नोमैन बना हुआ था जो कि किलर ने मैक्स की डेड बॉडी से बनाया था। उसके हाथ में वो मियाँ की अंगूठी भी देखती है। मैक्स को उस हालत में देखकर मियाँ को काफी ज्यादा पछतावा होता है। उसे गले लगाकर मियाँ रोने लगती है कि अचानक से वहां वो किलर पहुंच जाता है और मैक्स को मियाँ के साथ पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। और फाइनली अब हमें किलर का चेहरा दिखाया जाता है और ये किलर और कोई नहीं बल्कि उस लड़की की माँ है जिसकी मौत स्नोबोर्डिंग की वजह से हुई थी। इस औरत का अपनी बेटी के प्रति सनक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो यहाँ आने वाले सभी को जान से मार दिया करती थी, वो भी अपनी बहन यानी उस होटल के रिसेप्शनिस्ट से मदद लेकर। अब उस कपल के मौत के बाद वो महिला उस जगह पर क्रूस का निशान बना देती है। वैसे ये औरत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अपने पागलपन में उसने अपने ससुर को भी बंदी रखने के बाद जिंदा मार दिया। वहीं दूसरी तरफ मियाँ के गिरने के बाद भी वो मरी नहीं थी, बल्कि उसके सीने में बदले की भावना जाग उठी थी और इसी आग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी लेट इट स्नो। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।